इसको अब थोड़ा सा जो है स्लाइड नंबर 2 को दोबारा देखना है। पहले इसके बारे में काफ़ी जो है वो डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है। इस वाली कर्व को जो है थोड़ा सा देख के आगे चलेंगे, ठीक है। बेसिकली मेरा ख्याल है कि शायद इसको बेहतर जो है ये इसी अंदाज़ में होगी, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी मैं यहाँ पे करूँगा, तो मेरे ख्याल नज़र तो वैसे वो आ रही है, ठीक है। नज़र तो वैसे वो आ ही रही होगी, मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि ज़रा बेटर इसका व्यू आ जाए। अच्छा, अब ये क्या है? ये एग्जैक्टली जो है ना, ये चोकिंग इन ट्रांजिशन विद अ स्मूथ अपवर्ड बॉटम स्टेप, ठीक है। पहले इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जस्ट न्यूमेरिकल से पहले इसको मैं चाहूँगा एक बार दोबारा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। हम लोगों ने इसमें इस कर्व के लिए जो है वो जो लास्ट टाइम डिस्कशन की थी उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी इसके बारे में? हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि डिस्कशन जो की थी, मैं बजाय इसके के इसके ऊपर करूँ ये बेहतर रहेगा, ये वाला जो एंगल है। ओके, उसका दूसरे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा इधर से आना करते हैं। वो हमारी जो सपोजिशन थी वो ये थी कि अगर सपोज करो कि जी आपका चैनल बॉटम है कोई, ठीक है, चैनल का बॉटम आ गया, ठीक है। आपने इस चैनल के बॉटम के ऊपर जो है फ्लो कोई हो रहा है, सपोज करो, ठीक है। इससे फ्लो भी ठीक नहीं रहेगा, मेरा ख्याल है कि लाइन जो है ज़्यादा बेहतर, चूंकि हमने लास्ट में लाइन ड्रॉ की थी तो मैं इस दफा भी इसको लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि कोई कंफ्यूजन जो है ना वो ना रहे और चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर भी हो। हाँ, ठीक है, सपोज करो ये पानी फ्लो कर रहा है इसके ऊपर से, ठीक है, और ये है इसके अगले क्रॉस सेक्शन पे, ये है इसके अगले क्रॉस सेक्शन पे जाके, ठीक है। बॉटम पे आपने रखा हुआ है इसके एक बम्प सा, यानी कि इसकी जो है ना वो एक कोई हमने ये इसके जो है ना वो चैनल का बॉटम थोड़ा नीचे कर दें, ज्यादा डेप्थ मिले काम करने के लिए, या ठीक है ना जी। तो इसके ऊपर से पानी, अब ये जो है सपोज करो यहाँ पे सब क्रिटिकल फ्लो ही अगर हो, जैसे चूंकि बुक वाले ने सब क्रिटिकल लगाया हुआ है तो हम भी इसको जो है ना वो सब क्रिटिकल ही लगा लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे जो चैनल का बनेगा वो कुछ इस तरह की जो है ना वो इसकी प्रोफाइल बनेगी सब क्रिटिकल फ्लो में। डेप्थ क्यों कम हुई है आप लोगों को मैं दोबारा नहीं बता रहा, आप लोगों को इस बारे में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगला स्टेप जो है इस डायग्राम में वो क्या था? ठीक हो गया। अब ज्यादा वो अगला डेप्थ क्या था कि जो ही आप इसकी जो है ना हाइट को इंक्रीज करोगे बम्प की हाइट को, जो पानी की डेप्थ है वो और कम हो जाएगी, इसके ऊपर पानी की डेप्थ और कम हो जाएगी। इसको आपने और बढ़ाया, पानी ने अपनी डेप्थ जो है वो इसके ऊपर से, जितना रेजिस्टेंस आप देते जाओगे पानी जो है इसके ऊपर जो है उतनी ही अपनी डेप्थ जो है वो कम करेगा। पानी जब डेप्थ कम करता है तो जाहिर बात है अगर ई वाई कर्व की बात करूं तो पॉइंट जो है वन, सपोज करो पहले पॉइंट जो है ना वन था, अब वन से नीचे आ गया और नीचे आ गया और नीचे आ गया, डेप्थ कम होते होते इसके ऊपर एक टाइम ऐसा आ जाना है कि अब जो इसके ऊपर डेप्थ होगी ना इसकी पानी की वो क्रिटिकल डेप्थ होगी। इससे कम डेप्थ अब पानी जो है इसकी हो नहीं सकती है, यहाँ पे पहुंच चुका होगा। ये कौन सी डेप्थ है? ये क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। लेकिन जी आपने कहा कि नहीं यार मैं तो इससे ऊपर इंक्रीज करूंगा और, ठीक है ना, आपने इसको और इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब क्या होना है कि अब जो है जी जो जो आपका जो है पानी जो फ्लो है वो रुक जाएगा, ठीक है ना। अब पानी जो है, चूंकि पानी तो पीछे से आ रहा है,
आपका फ्लो रुक गया है, चैनल के अंदर फ्लो रुक गया है, लेकिन पीछे सोर्स से पानी जो है वो आई जा रहा है, तो क्या होगा कि पानी अपनी जो डेप्थ है वो इस जो है वो पंप के पीछे पानी जो है अपनी डेप्थ क्या करेगा, वो इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, अपनी पानी जो है अपनी डेप्थ को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा, ये पानी डेप्थ को इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आना है जब पानी अपनी डेप्थ इतनी ज़्यादा कर लेगा कि अब जो फ्लो है वो दोबारा होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पानी ने अपनी डेप्थ को इंक्रीज़ किया, अब जो है फ्लो जो है वो दोबारा होना शुरू हो गया। ठीक है, फ्लो जो है अब दोबारा होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने एक बात नोट की कि अब जो है जब चूंकि डेप्थ इंक्रीज हुई है तो एनर्जी पहले से क्या हो जाएगी, डेप्थ जो है सब क्रिटिकल फ्लो था, अब डेप्थ पहले क्रिटिकल हुई थी, अब बढ़ती बढ़ती डेप्थ पहले से भी ज्यादा डेप्थ चली गई। ठीक है ना, पहले डेप्थ कहाँ तक थी, पहले डेप्थ यहाँ तक थी। ठीक हो गया, अब जो डेप्थ है जो पहले आपके जब चैनल की डेप्थ जो पहले थी वो कितनी थी इस डेप्थ को बढ़ाने से पहले, वो कहीं यहाँ पे थी। अगर मैं पहले वाली डेप्थ को मैंने वैसे कर दिया लेकिन आसानी के लिए, लेकिन बार उसको इतनी डेप्थ थी पहले पानी की। अब क्या हुआ, इस डेप्थ के ऊपर एनर्जी थी इतनी, ठीक है ना, फिर क्या हुआ कि आपका फ्लो जो है क्रिटिकल तक आया, अब क्रिटिकल के बाद जो है फ्लो रुक गया, फिर फ्लो ने अपने डेप्थ को इंक्रीज करना शुरू किया, अब डेप्थ इंक्रीज करते करते पहले से ज्यादा इंक्रीज होगी डेप्थ, और एनर्जी भी पहले से क्या होगी ज्यादा हो गई, अब पानी का जो फ्लो है वो दोबारा स्टार्ट हो गया। क्लियर है ये वाली बात, यानी कि तीन फेज आए थे इसके ऊपर। पहला फेज क्या था, पहला फेज था नॉर्मल फ्लो का कि जब पानी जो है वो फ्लो कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन रखी आपने, उसे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। दूसरा क्या था कि क्रिटिकल फेज आया था, ठीक है ना, और तीसरा क्या कौन से वाला फेज था, ठीक है ना, फ्लो स्टार्टेड बट विद हायर एनर्जी। ठीक है ना, तीसरे वाला फेज जो वाला फेज था कि फ्लो ने अपनी डेप्थ को इतना इंक्रीज किया कि वो पहले से भी ज्यादा इंक्रीज होगी डेप्थ उसकी, और अब वो फ्लो जो है वो दोबारा होना शुरू हो गया। क्लियर है ये वाली बात, डेप्थ पहले बढ़ पहले जो है ना वो आपने जब ये इसके ऊपर स्टार्ट करना की शुरू की तो क्या हुआ था कि पानी जो है वो उसकी डेप्थ जो है वो कम होते होते क्रिटिकल तक आ गई। ठीक है ना, फिर क्या हुआ कि आप पानी डेप्थ इंक्रीज करना स्टार्ट किया, फिर इसके ऊपर से फ्लो करना स्टार्ट किया, तो डेप्थ जो है पहले से क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी पहले से भी ज्यादा होगी और डेप्थ भी पहले से क्या होगी ज्यादा होगी। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, अब पॉइंट वन से आप पहले टू पे आए, फिर टू से आप कहाँ पे गए, वन डैश पे गए। ये इस डायग्राम से बात क्लियर है ना, पहले ये वाली हम इसको दोबारा एक बार देखते हैं कि फ्लो पहले वन पे था, उधर से टू पे गया, फिर टू से जो है ना वन डैश पे आ गया, ऐसा ही हुआ, बिल्कुल जी ऐसा ही हुआ। ठीक है, अच्छा, अब जो वन से आप टू पे गए हो, इसकी जो चेंज इन एनर्जी है उसको हमने चूंकि क्रिटिकल जो है ना वो पॉइंट है ये वाला, तो जो इन दोनों के बीच में चेंज है उसको हम बोलेंगे डेल्टा जेड सी। ठीक है ना, और क्रिटिकल से फिर जो वन वन डैश तक जो चेंज है उसको हमने क्या किस पे शो करवाया, उसका शो करवाया वो डेल्टा जेड से। क्लियर है ये वाली बात कि पहले वन से लेकर टू तक गए, चेंज इन एनर्जी कौन सी हुई है, डेल्टा जेड सी, और फिर टू से वन डैश तक गए और चेंज इन एनर्जी कितनी हुई है, वो हुई है डेल्टा जेड। ये क्लियर है, बाकी अगर आपको पता ही है ये लाइन जो है ये कौन सी लाइन है जिसके ऊपर सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स वहाँ आते हैं। ठीक है, अगर कर्व आगे शिफ्ट हो जाए इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे होगा, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे, इस पे सबके ऊपर जो है फ्रूट नंबर की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, ये कौन सी ऊपर लाइन कौन सी है, ठीक है, ये वो लाइन है जिसके ऊपर जो है ना ये 45 डिग्री की लाइन है, और इसके ऊपर जो ई है वो और वाई जो है दोनों आपस में क्या है बराबर है। इनफैक्ट किसी भी ऐसी एक्सिस के ऊपर कि जिसके जो जिसके आपस में जो है ना वो 90 पे हों दो एक्सिस और 45 डिग्री की लाइन उसमें से गुजरे, तो एक्सिस की जो वाई ये वाली एक्सिस है और जो ये वाली एक्सिस है इन दोनों की वैल्यू आपस में उसके ऊपर बराबर ही होंगी, ये मैथ्स का रूल है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से जो है ना ये डायग्राम मैंने लास्ट टाइम पढ़ी थी, मैंने कहा कि अब अगले न्यूमेरिकल करने से पहले जरा इसको जो है ना एक दफा फाइनल टच दे दिया जाए ताकि जब अगले न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो इतना मुश्किल उसको सॉल्व करने में ना हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट दो स्लाइड्स के अंदर दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।